तो गाइस थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज है फादर्स डे और इंटरनेशनल योगा डे और आज मैं बनाने जा रहा हूँ केक अपने पापा के लिए। और लास्ट टाइम मैंने बनाया था मदर्स डे पे अपनी मम्मी के लिए लस्सी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक फादर्स डे का केक जिसपे लिखा हुआ हैप्पी फादर्स डे पापा, और दो कार्ड्स, ये वाला एक्चुअली कार्ड है और वो एक टाइप ऑफ बैज है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का कोई भी पार्ट मत मिस करना क्योंकि हर पार्ट जरूरी है, क्योंकि अगर आप केक में कुछ भी मिस कर दोगे तो फिर वो गलत बन जाएगा। तो चलिए केक बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप ऑफ मैदा, पाउडर्ड शुगर 1 कप, कप ऑफ ऑयल, 1 कप ऑफ मिल्क, 2 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक एम्प्टी कंटेनर ले लेना है जिसमें हम सब कुछ मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको पाउडर्ड शुगर बोला था पहले उसको इसमें निकाल लेना है हमारे एम्प्टी कंटेनर में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें पाउडर्ड शुगर डाल चुका हूँ। अब इसमें आपको ऑयल डालना है। देखिए मैंने ऑयल भी डाल चुका हूँ पूरा। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करें। तो फ्रेंड्स एज यू कैन सी मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और इसमें आपको लम्स नहीं आने देना है। और अभी हम अपना कप ऑफ मिल्क डालेंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। और अब धीरे से पोर कर मिल्क। और तो देखिए मैंने मिल्क भी डाल चुका हूँ। अब इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए मैं इसे मिक्स कर चुका हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें मिल्क को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर चुका हूँ एज यू कैन सी। और अब हम एक सीवर लेंगे, ये देखिए, और अपने वेट स्पून को रखेंगे दूर। और अब हमें फ्लोर को डालना है। देखिए मैं मैदा को डाल रहा हूँ। देखिए अब हम इसमें कोको पाउडर भी डाल देंगे और अब हम इसे शेक करेंगे ताकि ये सीव से बहुत आसानी से चले जाए। और ये पूरा हमारा सीव से फिल्टर हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी हमें फिर से इसको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना बहुत ज्यादा चॉकलेटी। इससे आपको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में मिक्स करोगे तो इसमें लम्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंसिस्टेंसी, इसका रनिंग कंसिस्टेंसी देखिए, है ना बहुत अच्छा। ये है बेकिंग पाउडर जो है 1/2 टीस्पून और ये है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब हम इसे मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है एक बेकिंग कंटेनर। देखिए ये कुछ फ्लावर के शेप जैसा है, मुझे नहीं पता। और इसके नीचे मैंने रखा हुआ है एक
बटर पेपर जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने इस कंटेनर को पूरी तरीके से ग्रीस किया है, और ऑयल से ग्रीस किया है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपका केक चिपक जाएगा और वो निकलेगा भी नहीं, और वो मोस्टली जल भी सकता है। तो हम इसे ओवन में बेक करने वाले हैं, तो चलिए ओवन में बेक करते हैं। अब हम इसे पोर करेंगे। ओ, बहुत ज्यादा चॉकलेटी है सच में। और देखिए, मैंने सब चॉकलेट का बैटर पोर कर चुका हूँ, और अब हम इसे टैप करेंगे ताकि ये ऊपर से प्लेन हो जाए, कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं ये प्लेन हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा केक का बैटर, और ये अभी बेक होने जा रहा है हमारे अवन में। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा घर पे कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बना नहीं सकते हो, बट मेरी मम्मी यहाँ पे ही खड़ी हैं और मैं इसे उनकी हेल्प से कर रहा हूँ। तो आप भी अगर आप बना रहे हो तो फिर आप अपनी मम्मी या पापा की हेल्प से बना सकते हैं। तो इसका कलर ब्राउन है ना, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन भी है, उसे भी क्लिक कर देना। और अभी मैंने इसे रखा है कन्वेक्शन मोड में। और ये अभी बेकिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वेट कीजिए जब तक ये बेक हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, आपको इसे कम से कम 20-30 मिनट्स तक बेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 20 मिनट्स तक बेक कर रहा हूँ, उसके बाद आपको। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुके हैं 20 मिनट और हमारा केक बेक होकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लुक है, देखते हैं कि हमारा केक अच्छा बन रहा है। और मैंने यहाँ पे हैंगी इसलिए है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा केक। फ्रेंड्स देखिए, ये कितने अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जब मैं इसे निकाल रहा था तो ये थोड़ा सा दब चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे बेक कर चुका हूँ, और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है, देखिए। और अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो आपको एक प्लेट लेना है, कुछ ऐसे उसके ऊपर रखना है, और बहुत फर्मली आपको इसे उल्टा कर देना है। और देखिए, ये निकल आ चुका है। और आप इसका बटर पेपर भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बटर पेपर डालने का एक फायदा हुआ कि यहाँ पे एकदम प्लेन निकल जाता है, और आपको यहाँ पे नीचे चिपकता भी नहीं। और एकदम साइड में देखिए, केक को यहाँ पे मैंने उल्टा कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, ये केक इतना सॉफ्ट है कि जब मैं इसे टर्न कर रहा था तभी मेरे फिंगरप्रिंट पड़ गए। फ्रेंड्स देखिए, ये इतना सॉफ्ट है कि मेरे हाथ ही दब गए बहुत बार, एक तो जब मैं निकाल रहा था और अभी जब मैं उल्टा कर रहा था। तो अब हम इसे करेंगे कट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लिख भी दिया हैप्पी फादर्स डे पापा।
के फ्रेंड्स कितने स्पॉन्जी बना है, क्या आप देख पा रहे हैं? और ये देखिए कितना अच्छा बना है, मैं तो इसे खाने जा रहा हूँ।